और स्टूडेंट्स पी ग्रुप एलिमेंट हमारा टॉपिक चल रहा है और पी ग्रुप में हमने बोरोन फैमिली और कार्बन फैमिली करना है। 13 ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल और 14 ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। और इस ग्रुप में अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टी का फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ 13 ग्रुप एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों फिजिकल प्रॉपर्टी। नाउ स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टी। हाँ भाई, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ 13 and 14 ग्रुप, जो 13, 14 ग्रुप एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी हमें करेंगे। उनमें हमें उनके हाइड्राइड, उनके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हैलाइड्स और कुछ स्पेशल कंपाउंड। सबसे पहले हम बताते हैं हाइड्राइड। हाइड्राइड बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलेनियम, इंडियम, थेलियम। हाइड्राइड करने से पहले हम एक और बात कर लेते हैं, एक और प्रॉपर्टी कर लेते हैं, दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेते हैं तो फिर उसमें आप ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंस। बोरोन ग्रुप और कार्बन ग्रुप, इसका आपका है 2s2 3p2 3s2 3p2 4s2 4p2 5s2 5p2 6s2 6p2 और उधर 2s2 2p1 3s2 3p1 4s2 4p1 5s2 5p1 and 6s2 6p1 p1। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन हो गए NS2 NP1 NS2 NP2। दोनों ग्रुप पे अगर हम देखें तो अगर पहले वैलेंसी की बात करें, NS2 जो आपने वैलेंस बोर्ड थ्योरी में भी किया हुआ है, 13 ग्रुप की बात कर रहे हैं। अगर ग्राउंड स्टेट में बोर्ड बनाएगा तो एक बोर्ड बनाएगा। इन ग्राउंड स्टेट ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर, तो बोर्ड बनेगा, वैलेंसी होगी 1 और ऑक्सीडेशन स्टेट होगी प्लस वन। अगर बोर्ड बनता है ग्राउंड स्टेट में, और अगर बोर्ड बनता है एक्साइटेड स्टेट में, एक इलेक्ट्रॉन एनएस से एनपी में जंप कर गया तो एक्साइटेशन आ जाएगा और 3 बोर्ड बनेंगे, वैलेंसी हो जाएगी और ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। वैसे तो हम प्लस माइनस 3 गए, ये तो प्लस ही होगा क्योंकि ये नीचे वाले एलिमेंट में आके शो करता है और वहां पे माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती। इसका मतलब ये वैलेंसी 1 भी शो करेंगे और 3 भी शो करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3 भी होगी और प्लस 1 भी होगी, माइनस कम ही करते हैं। और माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप कम हो जाएगी, चाहे वो आपका 13 ग्रुप हो चाहे वो
14 ग्रुप, क्योंकि माइनस हम उसके लिए लेते हैं जो मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव। पहली बात ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट नहीं है और ना बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है, ये एनी बोन बनाएंगे। ये एलिमेंट 30-40 ग्रुप के जो एलिमेंट है ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे और कोवेलेंट कंपाउंड में माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट हम उसको काउंट करते हैं जो मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है और जो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है वो प्लस में काउंट होता है। तो एवरेज से अगर हम देखें तो यार मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाएंगे, हेलोजन के साथ बनाएंगे, तो आपके हेलोजन या ऑक्सीजन इनसे ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है तो हेलोजन या ऑक्सीजन माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी और ये प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी। प्लस मीनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट आई। अब देखो वन कब शो करेगा जब ग्राउंड स्टेट हो और थ्री कब शो करेगा जब एक्साइटेशन। अब अगर हम बोरोन की बात करें तो बोरोन में एक्साइटेशन होना है 2s से 2p में। तो एक एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लिया एक बोन बन रहा है, इस केस में एक बोन बनेगा और मान लिया एक बोन में एक्साइटेशन एनर्जी है, एक बोन की जो बोन एनर्जी है वो है 300 किलो जूल। जब एक बोन बनेगा तो 300 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी। तो मॉलिक्यूल्स गेट स्टेबलाइज बाय 300 किलो जूल व्हेन वन बोन इज फॉर्म। एक्साइटेशन की जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर एनएस से एनपी में एक्साइटेशन होगा तो एनर्जी नीडेड होगी। कितनी एनर्जी नीड हुई, मान लिया एनर्जी नीड हुई 200 किलो जूल नीड, किस लिए, एनएस से एनपी में इलेक्ट्रॉन को जम करवाने में। तो इससे तो मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ गई, सिस्टम डिस्टेबलाइज हो गया। लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन जम करवाने की वजह से पहले एक मोड बनता, नाउ इट मेक थ्री मोड, अब तीन मोड बनेंगे और मान लिया तीन मोड बनने में एनर्जी रिलीज हो रही है 900 किलो जूल, तो कुल मिला के 700 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती। तो जब एक मोड बना रहा था तो मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो रहा था 300 किलो जूल से और जब तीन मोड बन रहे हैं तो मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो रहा है 700 किलो जूल से, यानी कि 400 किलो जूल एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज हो रही है। होनी तो 600 चाहिए थी लेकिन 200 उसमें एक्साइटेशन में भी रिक्वायर्ड हो गई। ऐसे रिवर्स भी हो सकता है, एक मोड बन रहा था तो 300 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही थी, एक्साइटेशन करने में एनर्जी चाहिए 700 किलो जूल मान लिया, लेकिन जब एक्साइटेशन हो जाएगा तो तीन मोड बनेंगे, तीन मोड बोन बनेंगे तो 900 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी, नेट रिलीज हुई 200। तो अगर ये वाली सिचुएशन है तो उससे बढ़िया तो प्लस वन ज्यादा स्टेबल, और ये वाली सिचुएशन है तो प्लस थ्री ज्यादा स्टेबल। इस वाले में तो माइनस सेवन हंड्रेड तो ये ज्यादा स्टेबल, तो यहां प्लस थ्री में ज्यादा स्टेबल। और यार एक बोन बन रहा है तो 300 रिलीज हो रही है, दो बन रहे तीन बन रहे तो 200, तीन बन रहे हैं 200 रिलीज होनी चाहिए थी लेकिन 700 रिक्वायर भी हो गई एक्साइटेशन करने में, तो यहां प्लस वन में ज्यादा स्टेबल। तो नेट रिजल्ट क्या निकला कि जो एनएस से एनपी में इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो रहा है एंड द एनर्जी नीड टू दैट एक्साइटेशन इज कंपनसेट बाय एडिशनल बॉन्ड। एक्साइटेशन की वजह से जो एडिशनल बॉन्ड बन रहे हैं उस बॉन्ड में जो एनर्जी रिलीज हो रही है अगर वो एक्साइटेशन को कवर कर देती है, अगर वो एक्साइटेशन को कंपनसेट कर देती है तो फिर एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनेंगे। एनी एक्साइटेड एनर्जी इज मोर एंड दिस एनर्जी इज नॉट कंपनसेट बाय द एडिशनल बॉन्ड फॉर्मेशन, देन इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन इज मोर स्टेबल। ये एक सिंपल सा फिनोमेना है, ऑब्जर्वेशन है आपके लिए फिनोमेना की बजाय कि अगर हम ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बनाएंगे तो एक्साइटेशन की कोई जरूरत नहीं है लेकिन एक ही बॉन्ड बनेगा।
एक्साइटेड स्टेट में कौन बनाएंगे, तो एक्साइटेशन होगा, एक्साइटेशन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, लेकिन फिर बोर्ड क्यों बनेगी? तो दो बातें आई, एक्साइटेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, एनएस से एनपी में इलेक्ट्रॉन को जंप करवाने के लिए एनर्जी नीडेड, और दो एडिशनल बोर्ड बनेंगे। अब जो ये दो एडिशनल बोर्ड बनेंगे इनमें तो होगी एनर्जी रिलीज, और एक ही इलेक्ट्रॉन जो एक ही जो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो एनर्जी नीडेड होगी, वो एब्जॉर्ब होगी। सो ये नीडेड एनर्जी इज कंपनसेट बाय एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्मेशन, देन बॉन्ड विल फॉर्म, देन इन हाइड्रोक्सिलेशन स्टेट इज मोस्ट स्टेबल एंड इट इज नॉट कंपनसेटेड देन इट इज इन क्लोरोक्सिलेशन स्टेट इज मोस्ट। अब होता क्या है, बोरोन का छोटा साइज है, बोरोन स्टेबल बॉन्ड बनाएगा, बोरोन जब बॉन्ड बनाएगा तो एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी। थैलियम का बड़ा साइज है, वीक बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो कम एनर्जी रिलीज होगी। दूसरा 6s और 6p के बीच में एनर्जी गैप ज्यादा है, 6s और 6p के बीच में एनर्जी गैप ज्यादा है, 6s और 6p के बीच में 4f और 5dp है, 4f और 5dp 6s और 6p के बीच में। दूसरा 6s वाले जो इलेक्ट्रॉन है दे हैव मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एज कंपेयर टू 6p, यहां ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 2s और 2p के जो इलेक्ट्रॉन है वो नियरली इक्वली अट्रैक्शन में है न्यूक्लियस की, थोड़ा डिफरेंस तो है, s है मोर अट्रैक्शन, s फील मोर अट्रैक्शन देन p, लेकिन 2s और 2p में जो न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स है वो लगभग बराबर है, लेकिन 6s और 6p में 6s की जो अट्रैक्शन है टुवर्ड द न्यूक्लियस और जो 6p की है उसमें काफी गैप है, 6s है मोर अट्रैक्शन टुवर्ड द न्यूक्लियस, इसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उसकी वजह से ns का np में जंप करना डिफिकल्ट होगा, उसकी वजह से ns वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा, एंड दिस इज कॉल्ड इनर पेयरिंग। फिर देख लीजिए आप एक बार इनर पेयर पे, भाई चाहे 13 ग्रुप की बात कर लीजिए चाहे 14 की कर लीजिए, पहले हम 13 की कर रहे हैं, एनएस टू एनपी वन इसकी ग्राउंड शेप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ग्राउंड शेप में देयर इज वन हाफ पी ऑर्बिटल, सो ओनली वन बॉन्ड फॉर्मेशन इज पॉसिबल, एक बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड में जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसके अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो जाएगा। बट इफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनएस टू जंप टू एनपी देन 100 इलेक्ट्रॉन बिकम 3, तीन बॉन्ड बनेंगे, तीन बॉन्ड बनेंगे तो प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा, और प्लस 3 ही आएगा क्योंकि जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करवा रहा है तो इससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तभी जंप करवा सकता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला तो जंप ही नहीं करवा सकता, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो जंप करवाएगा तो फिर तीन बॉन्ड बनाएगा। तो अब दो बातें हो गई यहां पर, एक तो इलेक्ट्रॉन को अगर हायर अगर ग्राउंड शेप में बॉन्ड बना रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एक्साइटेड शेप में बॉन्ड बना रहा है इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को जंप करवाने के बाद दो एडिशनल बॉन्ड और बनेगी, वैसे एक बनता अब तीन बनेगी, तो दो बातें हो गई। जैसे अगर कोई दुकान वाला ज्यादा सामान बेचेगा तो ज्यादा खरीदना भी पड़ेगा, पहले खरीदेगा फिर बेचेगा, पहले खरीद के उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पहले पैसे लगाने पड़ेंगे फिर बिकेगा, अगर बेचेगा फायदे में तो फिर आगे कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज वो कंटिन्यू नहीं रहेगा। तो प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम यह आएगी कि अगर ग्राउंड शेप में बॉन्ड बन रहा है तो ग्राउंड शेप में बॉन्ड बन रहा है तो एक्साइटेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्साइटेशन शेप में बॉन्ड बनेगा एक्साइटेशन की जरूरत है, लेकिन एडिशनल बॉन्ड भी बन रहे हैं, तो एडिशनल बॉन्ड जब बनेंगे तो ज्यादा एनर्जी भी रिलीज होगी,
तो ज्यादा एनर्जी भी रिलीज हो रही है और एक्स्ट्रा एनर्जी भी है। बिल्कुल वैसा ही बात है कि भाई मेरे को ज्यादा सामान बेचना है तो मेरे को पहले खरीदना पड़ेगा फिर बेचूंगा। 1000 रुपए का ज्यादा खरीद के लाया हूं तो 1000 रुपए इन्वेस्ट किए, लेकिन वो 1200 में बेचूंगा तो फिर प्रॉफिट में रहूंगा, तब तो स्टेबलाइज हो जाऊंगा। 1000 रुपए का ज्यादा इन्वेस्ट किया था बेचकर मेरे 800 का, तो फिर तो नुकसान की बात, फिर तो नए लाऊंगा एक्स्ट्रा सामान तो अच्छा है। तो वही बात है, इफ एक्साइटेड एनर्जी इज कंपनसेटेड बाई टू एडिशनल मोल फॉर्मेशन देन कंपाउंड इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, एंड इफ एक्साइटेड एनर्जी इज नॉट कंपनसेटेड बाई द टू एडिशनल मोल फॉर्मेशन देन इज मोर स्टेबल इन ग्राउंड स्टेट इट इज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। यही बात आप इन लोग के लिए भी लागू कर सकते हो, 14 ग्रुप के लिए भी लागू कर सकते हो। 14 ग्रुप में है आपका NH2 और NP2, दो बोर्ड बन गए ग्राउंड स्टेट में, दो बोर्ड बनेंगे प्लस -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। लेकिन अगर NS का इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए NP में तो 3 मोल बनेंगे, 4 मोल बनेंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस माइनस 4 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब 4 हाफ मेटल ऑर्बिटल हो गए, लेकिन एक्साइटेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये प्लस यानी इनकी वैलेंसी 2 भी हो सकती है 4 भी हो सकती है। एक्साइटेशन एनर्जी अगर तो कंपनसेट हो रही है दो एडिशनल मोल फॉर्मेशन से तो प्लस 4 ज्यादा स्टेबल, और अगर एक्साइटेशन एनर्जी कंपनसेट नहीं हो रही तो प्लस 2 ज्यादा स्टेबल। कोई बात नहीं, तो कुल मिला की बात यह हुई, अगर NS का इलेक्ट्रॉन NP में जंप करता है, अगर NS का इलेक्ट्रॉन बॉडी में रोल नहीं होता है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, 1 मोल बनेगा, और अगर एक्साइटेशन में आ जाता है तो 3 मोल बनेंगे, ग्राउंड में रहता है तो 2 मोल बनेंगे, एक्साइटेशन में आ जाता है तो 4 मोल बनेंगे। दो तरह की वैलेंसी की होगी, एक ग्राउंड स्टेट की और एक एक्साइटेड स्टेट की। हालांकि जब आप अगले ग्रुप में जाओगे 16 में 17 में 15 के बाद तो सेकंड एक्साइटेशन स्टेट और 17 में तो थर्ड एक्साइटेशन स्टेट का भी होगा जाएगा, लेकिन अभी हम सिर्फ 13 और 14 ग्रुप की बात। अब ये जो NS से NP में इलेक्ट्रॉन को जंप करने की ये सारा समझने की बात, एक बात हमारे सामने आ गई कि अगर इलेक्ट्रॉन NS से NP में जंप करता है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनेंगे, और अगर जंप नहीं करता है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में बनेंगे। और ये NS से NP में जंप करेगा या नहीं करेगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि जंप करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो तो हो कम और बोन बने स्ट्रॉन्ग। जैसे जैसे नीचे आएंगे जंप करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड ज्यादा होती जाएगी, NS और NP का गैप बढ़ता जा रहा है, एक्साइटेशन इजी हो रहा है नहीं हो रहा है अलग बात है, जो दुनिया ज्यादा टक्सन कर दिया ज्यादा एक्साइटेशन एनर्जी चाहिए या कम, लेकिन NS और NP के गैप की बात हो रही है। NS और NP का गैप यहां ज्यादा हो जाता है, एनर्जी का डिफरेंस भी ज्यादा हो जाता है आपस में, क्योंकि दिस 6s इलेक्ट्रॉन एंड 5s हैव मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एज कंपेयर्ड टू पी, यहां तो लगभग इक्वल है। तो एस में मूव डाउन करो इन 13 ग्रुप, टेंडेंसी ऑफ NS इलेक्ट्रॉन टू टेक पार्ट बॉन्डिंग विल रिड्यूस, टेंडेंसी ऑफ NS इलेक्ट्रॉन टू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग इंक्रीज, बॉन्डिंग में टेक पार्ट करने की टेंडेंसी कम हो रही है, बॉन्डिंग में टेक पार्ट ना करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। 2-3 कारण है, एडिशनल बॉन्ड वीक बनता है, एक्साइटेशन एनर्जी ज्यादा है, और सबसे मेन कारण है कि 6s इलेक्ट्रॉन है मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वही बात यहां होगी, NS इलेक्ट्रॉन है मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एज कंपेयर्ड टू NP, हैव लेस एनर्जी टू एक्साइट, हैव लेस एनर्जी टू इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, दिस इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट।
अगर हम बात करें वैलेंसी की तो 13 ग्रुप की जो नॉर्मल वैलेंसी है वो 1 है, इसके अलावा 3 भी है। 14 ग्रुप की जो नॉर्मल वैलेंसी है वो 2 है, इसके अलावा 4 भी है। तो यहाँ पे जो 1 और 2 है वो ग्राउंड स्टेट में है, 3 और 4 है वो एक्साइटेड स्टेट। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो 13 ग्रुप वाला नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी ये होती है और 14 ग्रुप वाला ये होता है। इसके अलावा वेरिएशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जैसे कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन आपका -4 से लेके +4 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है 14 ग्रुप, और जो 13 वाला ग्रुप है वो -3 से लेके और +3 तक। तो यहां पे अब इनर पेयर की हम बात करें, इनर पेयर इफेक्ट, इनर पेयर इफेक्ट टेंडेंसी ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन टू नॉट टेक पार्ट इन मॉलिंग और टू रिमेन इन पेयर और टू नॉट गोस टू एक्साइटेड स्टेट इज सेड इनर पेयर इफेक्ट। टेंडेंसी ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन टू नॉट टेक पार्ट इन मॉलिंग, टेंडेंसी ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन टू नॉट टेक पार्ट इन मॉलिंग, एनएस इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग में टेक पार्ट ना करने की टेंडेंसी, टेंडेंसी ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन टू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। टेंडेंसी ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन टू रिमेन इन पेयर, पेयर में होगा एक्साइटेड नहीं होगा तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा, टू नॉट गो टू द एक्साइटेड स्टेट डाउन स्टेट में रहेगा तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा, दिस इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। एंड दिस टेंडेंसी इंक्रीज डाउन द ग्रुप, जिस तरह से मैंने आपको करवा दिया, इनर पेयर इफेक्ट का इफेक्ट डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। इनर पेयर इफेक्ट बोरोन में सबसे कम है और थैलियम में सबसे ज्यादा है, इनर पेयर इफेक्ट कार्बन में सबसे कम है और लेड में सबसे ज्यादा है। ये एनएस इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग में टेक पार्ट ना करने की टेंडेंसी, एनएस इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेड स्टेट में जाने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप, टेक पार्ट ना करने की टेंडेंसी तो डाउन द ग्रुप बढ़ जाती है और जंप करने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप कम हो जाती है। ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट become more stable as we move down the road. जैसे जैसे हम नीचे आएंगे +1 ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती जाएगी +1 इन 13 ग्रुप। As compared with +3,
प्लस थ्री की बजाय प्लस वन ज्यादा स्टेबल होती जाएगी एज वी मूव डाउन द एंड इन 14 ग्रुप प्लस टू बिकम मोर स्टेबल देन प्लस फोर एज वी मूव डाउन द 14वें ग्रुप में जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो प्लस टू ज्यादा स्टेबल हो जाएगी और 13 ग्रुप में प्लस वन ज्यादा स्टेबल हो जाएगी. प्लस टू ज्यादा स्टेबल हो जाएगी इन 14 एज कंपेयर टू टू प्लस फोर और प्लस वन ज्यादा स्टेबल हो जाएगी इन 13. इसका मतलब प्लस थ्री ज्यादा स्टेबल होगी बोरॉन की और प्लस वन ज्यादा स्टेबल होगी थैलियम की. प्लस टू ज्यादा स्टेबल होगी कार्बन की प्लस फोर और प्लस टू ज्यादा स्टेबल होगी लेड. ये सारी बातें हमें करनी थी आगे सभी कंपाउंड में करनी थी इसलिए मैंने सबसे पहले आपको इनर पेयर व्यक्त करवाया. टेंडेंसी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग और इनर पेयर इफेक्ट का रीजन भी समझ में आ गया होगा. अगर हम इनके कंपाउंड्स की बात करें वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें वो करी नहीं. जैसे BCl3 और थैलियम का ट्राइब्रोमाइड और एक हम करें BCl और थैलियम का ब्रोमाइड तो इसमें तो ये ज्यादा स्टेबल है. BCl3 इज मोर स्टेबल देन BCl. ये बढ़ता नहीं है प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन. लेकिन थैलियम ट्राइब्रोमाइड से ज्यादा स्टेबल है थैलियम का मोनोब्रोमाइड. तो प्लस वन में तो थैलियम ज्यादा स्टेबल है और प्लस थ्री में बोरोन के दोनों. ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड से ज्यादा स्टेबल है कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन लेड ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है लेड डाइऑक्साइड. यानी प्लस टू में लेड ज्यादा स्टेबल और प्लस फोर में कार्बन ज्यादा स्टेबल. सेम CCl2 से ज्यादा स्टेबल है CCl4 लेकिन PbCl2 इज मोर स्टेबल देन PbCl4 अगेन ड्यू टू लेड. लेड प्लस टू में ज्यादा स्टेबल होगा और कार्बन प्लस फोर में ज्यादा स्टेबल होगा. अगर हम तीनों लाइन में भी बात करें अगर हम SnCl2 और PbCl2 SnCl4 और PbCl2 तो लेड और टिन हालांकि दोनों में इलेक्ट्रॉन इफेक्ट है लेकिन किसमें ज्यादा लेड में ज्यादा. तो प्लस टू में तो लेड के कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होंगे और प्लस फोर में टिन के कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होंगे. कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड में तो कार्बन का डाइऑक्साइड ज्यादा स्टेबल लेकिन लेड का मोनोऑक्साइड ज्यादा स्टेबल. इसीलिए इसको हम यूज करते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट और इसको भी यूज करते हैं एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्योंकि स्टेबल नहीं है ऑक्सीजन देगा. ये स्टेबल नहीं है इसलिए ऑक्सीजन लेगा और जो ऑक्सीजन लेगा वो खुद हो रहा है ऑक्सीजन ले रहा है तो खुद हो रहा है ऑक्सीडाइज तो करेगा दूसरे को रिड्यूस. और जो ऑक्सीजन दे रहा है वो खुद हो रहा है लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन तो दूसरे करेगा ऑक्सीडाइज. तो ये था इनर पेयर इफेक्ट. एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहां पे है इनर पेयर इफेक्ट की डेफिनेशन सिंपल से है टेंडेंसी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग. रीजन क्या है NS इलेक्ट्रॉन हैव मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सो have less tendency to involve in bonding. Inert pair effect का effect क्या होता है down the group बढ़ता जाता है. down the group हम जब आते हैं तो inert pair का effect तो बढ़ता जाता है. तो ये था valency
ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इनर्ट पेयर। वैसे सभी ग्रुप में डाउन हो पाएंगे तो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी और माइनस शो करेंगे एनर्जी कम होती जाएगी। अब बात कर लेते हैं हाइड्राइड। बोरोन के हाइड्राइड बनेंगे ये, हालांकि इसका भी थ्री ज्यादा स्टेबल नहीं है। इंडिया और थैलियम का मोनोहाइड्राइड मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, दे मेक द हाइड्राइड इन प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट। बट बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम प्लस थ्री, तीन बनाएंगे ये वन बनाएंगे। एम जनरल हाइड्राइड बिकम एम एच थ्री और कार्बन का ये हाइड्राइड बनेंगे कार्बन कार्बन एम एच टू। इसके अलावा और भी बनेंगे, जो कार्बन के तो बहुत सारे हाइड्राइड बनते हैं, एन ई नाइन, एन में भी लंबी चेन बन जाती है कार्बन की, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन, वो हम सब बात करेंगे। पहले हम लेंगे नॉर्मल हाइड्राइड की बात। नॉर्मली इसकी हाइड्राइड की हाइब्रिडाइजेशन होगी एसपी टू, एक इलेक्ट्रॉन ये होता है, एक इलेक्ट्रॉन आगे जंप कर जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन इज एसपी टू। स्पेशल केस करेंगे हाइब्रिड क्लोरीन का जहां एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन, और यहां पे हाइब्रिडाइजेशन होगी एसपी थ्री क्योंकि चार बॉन्ड बनाने हैं, तो ये होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेशन एस टू पी टू, एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया तो हाइब्रिडाइजेशन एसपी थ्री, चार बॉन्ड बनेंगे एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन होगी। दो तीन बॉन्ड बनेंगे, तीनों कोवेलेंट बनेंगे, चारों कोवेलेंट बनेंगे, कोवेलेंट को हम हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में काउंट करते हैं। अगर हम इनकी बात करें हाइड्राइड की थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड, हाइड्राइड की थर्मल स्टेबिलिटी पूरी पीरियोडिक टेबल की करवा दी थी जब मैंने अल्कली मेटल बनाया तो मैंने किया था, चाहे आपके पहले ग्रुप का हाइड्राइड है चाहे दूसरे का है जो आपने कर लिए, 13 और 14 ग्रुप का भी कर रहे हैं और आगे 15 16 17 18 का भी करोगे, सभी के हाइड्राइड की थर्मल स्टेबिलिटी एज बोन लेंथ इंक्रीज व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, एज बोन लेंथ इंक्रीज व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज। सो जब थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, स्टेबल कम हो गया तो जल्दी हाइड्रोजन देगा, हाइड्रोजन लॉस कम ना ऑक्सीडेशन, सो देयर रिडक्शन पावर इंक्रीज। नीचे की तरफ आ रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, बोन लेंथ बढ़ रही है, बोन डिसोसिएशन एनर्जी कम हो रही है, थर्मल स्टेबिलिटी कम हो रही है, रिड्यूसिंग पावर बढ़ रही है। अगर हम बात करें स्टेबिलिटी, तो BH3 ज्यादा स्टेबल है देन एल्यूमिनियम देन गैलियम इंडियम और थैलियम, थर्मल स्टेबिलिटी। कार्बन की हाइड्राइड, हाइड्राइड ऑफ कार्बन इज मोर स्टेबल देन हाइड्राइड ऑफ सिलिकॉन, इनको बोलते हैं सिलेन, इनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, लेड और टिन के हाइड्राइड तो बिल्कुल ही अनस्टेबल है। रिड्यूसिंग पावर रिवर्स होगी। अच्छा, एज कंपेरिजन टू बोरोन हाइड्राइड, हाइड्राइड ऑफ कार्बन आर मोर स्टेबल, एल्यूमिनियम के हाइड्राइड्स हैं, सिलिकॉन के हाइड्राइड्स ज्यादा स्टेबल।
अगली मेटल की हाइड्राइड से अर्थ मेटल की हाइड्राइड ज्यादा स्टेबल है, अर्थ मेटल से बोरोन के ग्रुप की हाइड्राइड ज्यादा स्टेबल है, और कार्बन फैमिली की हाइड्राइड उनसे भी ज्यादा स्टेबल है। आगे नाइट्रोजन में चलोगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में चलोगे तो उधर की तरफ हम जाएंगे तो हाइड्राइड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, नीचे की तरफ आएंगे तो हाइड्राइड की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अगर हम बात करें रिडक्शन पावर की, तो जो हाइड्राइड जितना कम स्टेबल होगा उतना वो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिवर्स देन देयर थर्मल स्टेबिलिटी इज अपोजिट देन देयर थर्मल स्टेबिलिटी। जो थर्मल स्टेबिलिटी है उससे अपोजिट होगा, थर्मल स्टेबिलिटी जो थर्मली ज्यादा स्टेबल होगा वो पुअर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो थर्मली लेस स्टेबल होगा वो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट। बाकी कार्बन के जो हाइड्राइड है, इनके जो हाइड्राइड है उनको हमें और भी ज्यादा डिटेल में करना है, लेकिन अभी हमें हाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला, हाइड्राइड की थर्मल स्टेबिलिटी और हाइड्राइड का रिडक्शन पावर, थर्मल स्टेबिलिटी और रिडक्शन पावर एक दूसरे के रिवर्स। कार्बन के हाइड्राइड को हम स्पेशल नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन, और बोरोन के हाइड्राइड को हम स्टेबल नाम देते हैं बोरेन। हाइड्राइड ऑफ बोरोन इज नोन एज बोरेन एंड हाइड्राइड ऑफ कार्बन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। सबसे ज्यादा जो हाइड्राइड जो यूज में है और जो यूजफुल है वो बोरोन और कार्बन के, क्योंकि जो एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम या इधर सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लेड, इनके हाइड्राइड ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं और ज्यादा वैरायटी भी इनमें पॉसिबल नहीं है। बोरोन के हाइड्राइड की हम बात करते हैं, बोरोन में एक वोलेटाइल हाइड्राइड है। बोरोन के ज्यादातर जो हाइड्राइड है, पर्टिकुलरली जो लोअर हाइड्राइड है जिनमें नंबर ऑफ बोरोन एटम कम है, वो वोलेटाइल हाइड्राइड है। दो सीरीज के हाइड्राइड बनाता है, बी एन एच एन प्लस फोर और बी एन एच एन प्लस सिक्स। प्लस फोर और प्लस सिक्स, जैसे बी टू एच सिक्स, इसके डिग्री क्या है, प्लस फोर कैटेगरी, प्लस सिक्स कैटेगरी और है प्लस फोर, प्लस फोर बी फोर बी टू एच सिक्स बी फोर एच टेन, ये इस कैटेगरी का है बी फोर एच टेन प्लस सिक्स। बी फोर एच एट बनेगा तो वो उस कैटेगरी का है, बी सिक्स एच ट्वेल्व बन रहा है तो ये इस कैटेगरी का है। दो कैटेगरी है, एन द वैल्यू ऑफ एन इज वन टू ट्वेंटी नॉर्मली, बीस तक चली जाती है इनकी वैल्यू। हालांकि हाइड्रोकार्बन में तो ज्यादा जाएगी इनकी वैल्यू, लेकिन यहां पे बीस तक ये वैल्यू चली जाती है, किसके एन की वैल्यू कि कितने बोरोन आपस में। हालांकि बोरोन के जो हाइड्राइड है वो ज्यादा स्टेबल नहीं है, कार्बन के हाइड्राइड ज्यादा स्टेबल है, वेरिएशन भी उनमें ज्यादा है। बोरोन के हाइड्राइड का अगर आप बीएस थ्री की बात करें तो हाईली अनस्टेबल है, बीएस थ्री की पहले हम प्रिपरेशन की बात कर रहे थे क्योंकि स्पेशली हमें बोरोन की हाइड्राइड की आपको बात करनी है, बी टू एच सिक्स की बात करनी है। वोलेटाइल हाइड्राइड पढ़ते हैं दो तरीके से, हम इनको प्रिपेयर करते हैं, एक तो मेटल को सीधा प्रिपरेशन, मेटल नहीं है बोरोन को सीधे हाइड्रोजन से रिएक्ट करके बोरोन के हैलाइड बना लेते हैं,
एनहाइड्राइड को हाइड्रोजन से सीधा रिएक्शन करते हैं और BH3 और वो स्टेबल नहीं होता है, वो B2H6 में कन्वर्ट हो जाता है जिसको बोलते हैं डाइबोरेन। डाइबोरेन बोरोन के हाइड्राइड को बोलते हैं बोरेन, और हाइड्रो हाइड्रो डाई नंबर दो P2H6 डाइबोरेन। इसके अलावा सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड हाइड्रोजन का कंपाउंड है विच इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। सोडियम बोरोहाइड्राइड का अगर हम आयोडीन के साथ रिएक्शन करें तो सोडियम आयोडाइड प्लस B2H6 प्लस हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व। यहां पे हमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करना होता है डायरेक्ट अगर हम हैलाइड्स को कन्वर्ट करें। इसके अलावा हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से प्रिपेयर कर लेते हैं, और जो हायर बोरेन है हायर बोरेन वो B2H6 का पायरोलिसिस कर देते हैं। पायरोलिसिस का मतलब हीटिंग, हीट करके। तो इसमें एक BH3 छूट गया तो मिल गया B3H9, एक BH3 और छूट गया इसमें B3H9 बैलेंस हो जाएगा। प्लस 6 सीरीज का बन गया, प्लस 4 सीरीज का था प्लस 6, एक BH3 और छूट गया तो B4 नहीं वो नहीं बनेगा, फिर B4H10 बनेगा अगला जो प्लस 6 सीरीज का, प्लस 4 का बनेगा यहीं पे तो B4H8। तो बोरेन कैन बी प्रिपेयर डायरेक्ट फ्रॉम द हैलाइड्स, पहले बोरोन को उसके हैलाइड बना दो डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके, और हैलाइड को चाहे तो डायरेक्ट रिडक्शन कर दो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करके, चाहे फिर ये ले लो आप सोडियम बोरोहाइड्राइड वगैरह, ये सीधा हाइड्रोजन से हो रहा है। सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ हम सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये बोरोन के हैलाइड को डाइबोरेन में रिड्यूस कर देते हैं B2H6 डाइबोरेन। डाइबोरेन की प्रिपरेशन देन प्रॉपर्टी देखिए, डाइबोरेन का स्ट्रक्चर देखिए, जितने भी ये जो बोरोन के हाइड्राइड है दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। पहले हम B2H6 की बात करते हैं, B2H6 को अगर ऑक्सीडेशन किया जाता है तो B2O3 प्लस वाटर प्लस वेरी हाई अमाउंट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड एज ए गुड फ्यूल। अगर हम एक मोल डाइबोरेन को भी अगर ऑक्सीडाइज कर दें तो लगभग 2000 किलो जूल हीट इज रिलीज पर मोल ऑफ डाइबोरेन, सो इट इज ए गुड फ्यूल, एक बढ़िया फ्यूल की बोर्ड में हम इसको यूज करते हैं। इफ B2H6 इज हाइड्रोलाइज देन इट गिव बोरिक एसिड, बोरिक एसिड H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड प्लस हाइड्रोजन गैस इज ऑल्सो ऑर्थोबोरिक एसिड करेंगे हम इसको ऑर्थोबोरिक एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस डाइबोरेन गिव ऑर्थोबोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन इज ऑल्सो योर। अगर हम B2H6 को अमोनिया के साथ रिएक्शन कर दें, अमोनिया अगर अमोनिया लेस अमाउंट में है तो बनता है B3
N3N6, जिसको बोल रहे हैं इसके साथ साथ बनता है बी अमोनिया का इसका जो स्टूडेंट पहले तो बनता है B2N6 इसके साथ B3N3N6 इसको बोलते हैं बोराजीन या बोराजीन। और अगर वही अमोनिया हम एक्सिस में देते हैं तो बनता है ये, इसको बोलते हैं बोराजाइड एजाइड। नाइट्रोजन के साथ बनता है नाइट्राइड, ऐसे एजाइड N3 नेगेटिव और बोरोन का 3 पॉजिटिव। B2 इसको हम इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं, इन ऑर्गेनिक बेंजीन, क्योंकि जैसे होता है ना कार्बन 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 डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल, इसका स्ट्रक्चर होता है C6H6 बेंजीन। बेंजीन C6H6। और अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन का रोल के साथ, देखो नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 यूज करने के बाद एक लोन पेयर बचेगा, और बोरोन के पास होते हैं 3 बनाने के बाद भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो नेगेटिव बॉन्ड बन जाता है। अगर नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना लिए तो एक लोन पेयर है, और बोरोन ने 3 बना लिए जिसके पास एक खाली ऑर्बिटल है तो एक नेगेटिव बॉन्ड बन जाता है बोरोन और नाइट्रोजन, और एक ही नाइट्रोजन था। तो क्या डिफरेंस हुआ बेंजीन में इसमें, यहां भी डबल सिंगल डबल है, यहां भी डबल सिंगल डबल सिंगल डबल है, और सिर्फ ये हुआ कि यहां रिंग में 6 की 6 कार्बन है और यहां पे रिंग में 3 बोरोन है और 3 नाइट्रोजन है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इन ऑर्गेनिक बेंजीन। बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्टडी करते हैं, और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन इसकी सिमिलरिटी बेंजीन जैसी है, स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी, इसलिए हम इसको बोल देते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसका स्ट्रक्चर देखिए, बोरोन के जो हाइड्राइड है दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, हाइड्राइड और बोरोन आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। वैसे तो 13 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट कंपाउंड बनेंगे वो सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनेंगे, क्योंकि इनके वैलेंस एटम से 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 ग्रुप के हैं, 3 शेयर करेंगे तो 6, देयर ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट सो दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। एक बार हम कुछ बात कर लेते हैं, जैसे B2N6 टोटल नंबर ऑफ एटम यहां पे है 6 और 2 8 एटम, और जितने एटम है कम से कम नंबर ऑफ एटम -1 बॉन्ड को चाहिए जोड़ने के लिए, 2 एटम है तो उनको जोड़ने के लिए कम से कम सिंगल बॉन्ड भी बनेगा तो 1 बॉन्ड तो चाहिए, 3 एटम है तो 2 बॉन्ड तो चाहिए, 4 एटम है तो 3 बॉन्ड तो चाहिए, तो अगर n एटम होंगे तो n-1 बॉन्ड एटलीस्ट रिक्वायर्ड, सारे सिंगल भी हैं तो डबल ट्रिपल है तो और भी बढ़ जाएंगे, तो अगर 8 एटम है तो 7 बॉन्ड इज नीडेड, और 7 बॉन्ड के लिए 14 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्योंकि 1 बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 7 बॉन्ड के लिए 14 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन है कितने, बोरोन के पास है 3 और हाइड्रोजन के पास 1 के पास 1 है, टोटल इलेक्ट्रॉन है 12।
इसका मतलब जितने मिनिमम इलेक्ट्रॉन चाहिए फ्लोरीन उससे भी कम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। अगर बोरोन अपने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन अपने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज कर रहे हैं तो भी इनके पास 12 इलेक्ट्रॉन ही है और कम से कम चाहिए कितने 14। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड बनेंगे, नॉर्मल बॉन्ड से यहां काम नहीं चलेगा। टू इलेक्ट्रॉन टू एटम अगर बॉन्डेड हो तो 14 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन है 12 तो 2 इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे। एक बोलते हैं टू इलेक्ट्रॉन टू सेंटर बॉन्ड, टू इलेक्ट्रॉन टू सेंटर बॉन्ड जैसे ये कितने एटम बॉन्डेड है 2 और इलेक्ट्रॉन भी कितने यूज हो रहे हैं 2, टू इलेक्ट्रॉन टू सेंटर बॉन्ड। एक होता है टू इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर बॉन्ड, वह इलेक्ट्रॉन तो यूज होते हैं 2, इलेक्ट्रॉन 2 यूज हो रहे हैं और एटम बॉन्डेड है 3। इन इस तरह के इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन की कमी है यहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड, टू इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर। तो अब याद रखो कम से कम 14 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए है 12 तो 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इसका मतलब यहां पे 2 बॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर बनेंगे। और तो कौन देख सी, अच्छा अगर हम इसका कंप्लीट करें C2H6 है तो वहां तो नॉर्मल बन जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए यहां पर भी 14 चाहिए 8 एटम है तो कार्बन के पास कितने 4 और 2 कार्बन तो 8 और 6 14। तो जैसी बॉन्डिंग C2H6 में हो सकती है वैसी B2H6 में नहीं हो सकती। आप ले लो C4H10 टोटल एटम कितने हैं 10 एंड 4 14 14 तो कम से कम 13 बॉन्ड चाहिए, 13 बॉन्ड के लिए 26 इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए। तो अगर सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो 4 कार्बन के पास 4 16 और 1 हाइड्रोजन के पास 1 तो 10 26 हो गए, 26 चाहिए। यानी यहां पे सारे के सारे जो बॉन्ड है वो 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर यानी कि नॉर्मल बॉन्ड बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहां देखो अगर हम ले लें B4H10 या B4H8 देखो ना वही 26 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन है कितने बोरोन के पास सारे कर लेंगे तो 22 नहीं, बोरोन के पास 3 है तो 12 और 10 हाइड्रोजन के पास 22 इलेक्ट्रॉन और चाहिए 26। इसका मतलब 4 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बनेंगे। अगर यहां देखें तो कितने हैं 12 और 8 20 और चाहिए कितने हैं 26, तो 26 नहीं यहां का मैटर 8 और 4 12 11 22 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन बने तो 2 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर। कुल मिला के बोरोन के जो आइडाइल बनेंगे वहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बनेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड बनेंगे, बोरोन नॉर्मल हाइड्राइड नहीं बन सकते, बोरोन के हाइड्राइड नॉर्मल हाइड्राइड नहीं बनेंगे, बोरोन के स्पेशल टाइप के हाइड्राइड बनेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरोन। क्योंकि बोरोन के जो हाइड्राइड है वो उस तरह के नहीं बन सकते जैसे हाइड्राइड कार्बन बना हुआ है, कार्बन के हाइड्राइड तो नॉर्मल हाइड्राइड बन जाते हैं बोरोन के नहीं बनेंगे। तो ये था हाइड्राइड, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और लगेंगे 15-20 मिनट इसमें, अगले लेक्चर में करेंगे हाइड्राइड और बोरोन। थैंक यू। इसी पे कर लेते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं उसको क्योंकि फिर थोड़ा सा रह जाएगा वो अलग टॉपिक है। तो हम यहां पे कर रहे हैं कि जैसे C2H6 बनता है उस तरह से B2H6 नहीं बन सकता। C2H6 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कार्बन कार्बन का होता है 2s2 2p2, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्साइडेशन में चला गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन,
कार्बन, एक ही हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बन गया आपका C2H6। कार्बन के पास अपने चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, चारों यूज कर लिए एक कार्बन कार्बन के साथ और तीन हाइड्रोजन के साथ, चारों कोवेलेंट बॉन्ड बन गए, नॉर्मल बॉन्ड बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 सेवन टू इलेक्ट्रॉन टू सेंटर बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन दो सेंटर का मतलब हो गया दो इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, दो एटम बॉन्डेड है, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, तो टू इलेक्ट्रॉन टू सेंटर बॉन्ड नॉर्मल बॉन्ड होते हैं, ना तो इलेक्ट्रॉन रिचर्ड बॉन्ड ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब यही बात हम B2H6 में नहीं कर सकते, B2H6 में सेम नहीं कर सकते। कैसे? क्योंकि अगर हम ये करें कि बोरोन बोरोन का बॉन्ड बना दें तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड होंगे सिर्फ दो, क्योंकि बोरोन के पास वैलेंस शेल में सिर्फ तीन इलेक्ट्रॉन है। अगर बोरोन ने अपने तीनों इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए तो एक सौ ऑर्बिटल बच गया बोरोन के पास, वो खाली है। और फॉर्मूला में B2H4 बना गया, B2H4 बना, B2H6 नहीं बना, तो ये नहीं बना। और अगर हम बोरोन के तीनों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देते हैं तो फिर BH3 बना, फिर बोरोन बोरोन के बीच बॉन्ड नहीं बना, फिर B2H6 कैसे बना? इसका मतलब डाई मॉडल में स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग आपको करनी पड़ेगी। और वही बात हम शुरू से कह रहे हैं कि बोरोन स्पेशल टाइप के बॉन्ड बनाता है, वो कैसे आप देखिए, बोरोन की नॉर्मल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है आपका 2s2 2p1, एक बॉन्ड बन रहा है बोरोन ग्राउंड स्टेट में, तो देखिए हम एक्साइटेड में करते हैं तो एक यहां, तो इट अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो नॉर्मली बोरोन sp2 हाइब्रिडाइजेशन यूज करता है नॉर्मल कंपाउंड में, लेकिन ये एक्सेप्शन है। और यहां पे चारों, क्योंकि चार बॉन्ड बनाने हैं तो चार ऑर्बिटल को बॉन्डिंग में यूज करना पड़ेगा, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी, एक्सेप्शनल केस है। नॉर्मली बोरोन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, बोरोन के पास तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं sp2 तीन इलेक्ट्रॉन और चौथा ऑर्बिटल 2p एम्प्टी होता है और अनहाइब्रिड रहता है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल रहता है चौथा, लेकिन यहां पे सारा का सारा हाइब्रिडाइजेशन आएगा और हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3, इट अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, देखिए बोरोन के पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन, उसमें से तीन में एक एक इलेक्ट्रॉन है और एक एम्प्टी है, एम्प्टी बट हाइब्रिडाइज्ड। नॉर्मली एम्प्टी वाला अनहाइब्रिडाइज रहता है, तो यहां देखो क्या हो रहा है, बोरोन अपना sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज कर रहा है, बोरोन का sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, तीन में इलेक्ट्रॉन है एक खाली है, ध्यान से समझना इसको, बोरोन एक दो तीन चार sp3 एवरेज ऑर्बिटल ऑफ बोरोन। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन,
तो देखो क्या हुआ, ये वाला जो बॉन्ड है बोरोन, ये बॉन्ड बोरोन और हाइड्रोजन के बीच में है, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, टू इलेक्ट्रॉन टू सेल नॉर्मल बॉन्ड, ये भी एक बोरोन का एक हाइड्रोजन का, टू इलेक्ट्रॉन टू सेंटर बॉन्ड, उधर भी टू इलेक्ट्रॉन टू सेंटर बॉन्ड। लेकिन ये वाला जो बॉन्ड है बोरोन हाइड्रोजन बोरोन, यहां क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं दो और एटम बॉन्डेड है तीन, बोरोन हाइड्रोजन बोरोन, और इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं दो, तो इसको बोलेंगे टू इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर, इस वाला बोरोन और हाइड्रोजन। देखो इसमें क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन किसका है, इस बोरोन का, और ये इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का। ये वाला जो बोरोन है ये अपना खाली ऑर्बिटल यूज कर रहा है, एम्प्टी एसपी टू हाइब्रिड और एसपी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज कर रहा है। इधर दो इलेक्ट्रॉन किस किस के यूज हुए, इस बोरोन और हाइड्रोजन, ये फ्री में, इधर ये बोरोन और ये हाइड्रोजन, इस बोरोन का ऑर्बिटल खाली, तो ये ऐसे रिप्रेजेंट कर देते इस बॉन्ड को। ऐसे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते, ये नॉर्मल बॉन्ड है और ये टू इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर बॉन्ड है, ये इसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड, बनाना होता है केला, बनाना जैसी सेप वैसे, इसलिए इसको हम बनाना बॉन्ड बोलते हैं। और अगर आपने इसको ऐसे शो कर दिया बोरोन दो हाइड्रोजन बोरोन दो हाइड्रोजन और, तो ये गलत तरीका है, क्योंकि इसके हिसाब से हाइड्रोजन ने कितने बॉन्ड बना दिए, दो, एक इधर और एक इधर, और बोरोन ने एक दो तीन चार, बोरोन के पास चार बॉन्ड बनाने के लिए, चार नॉर्मल बॉन्ड बनाने के लिए चार इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ऐसे हाइड्रोजन के पास दो नॉर्मल बॉन्ड बनाने के दो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो ये इसका ऑर्बिटल ऑर्बिटल डायग्राम है, बोरोन अपना एसपी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज कर रहा है, तीन में इलेक्ट्रॉन है एक खाली है, तो इधर से बोरोन अगर अपना खाली यूज कर रहा है तो इधर बोरोन अपना भरा हुआ यूज कर रहा है, या इधर खाली है तो इधर भरा हुआ, हाइड्रोजन हर जगह अपना इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है। इन केस ऑफ इथेन C2H6 में R6 हाइड्रोजन आर इक्विवेलेंट, C2H6 में सारे हाइड्रोजन बराबर है, सभी का बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है, बॉन्ड लेंथ भी सेम है, लेकिन इन B2H6 आर बोरोन हाइड्रोजन आर नॉट इक्विवेलेंट, सारे बोरोन हाइड्रोजन इक्विवेलेंट नहीं है, चार बोरोन हाइड्रोजन तो है जिनको बोलते हैं टर्मिनल टर्मिनल हाइड्रोजन या इक्विटोरियल हाइड्रोजन, और दो बोरोन हाइड्रोजन है जिनको बोलते हैं ब्रिज ब्रिज हाइड्रोजन, ये वाला, इसका बॉन्ड ऑर्डर तो नॉर्मली वन है लेकिन इसका बॉन्ड ऑर्डर हाफ है, इसलिए बॉन्ड लेंथ भी दोनों की बराबर नहीं है, एक तो आपका 119 पिकोमीटर है, ये वाला की लेंथ तो 119 पिकोमीटर है और इस वाले की लेंथ 134 पिकोमीटर, लेकिन इसमें सारे के सारे छके छके लेंथ बराबर है, क्योंकि इसमें दो इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, दो एटम है, तो बोन ऑर्डर पूरा वन है, यहां पे बोन ऑर्डर हाफ है, इधर हाफ है, इधर हाफ है, पूरा तो एक बोन बन रहा है लेकिन एक बोन दो दो मिनट डाइवर्ट हो गया, हाइड्रोजन के लिए बोन ऑर्डर हो रहा है, नहीं हो गया इधर बन और इधर बन, आधा इधर आधा इधर, दो बार हो गया, लेकिन अलग अलग उससे बढ़ा रहा है, तो ये बोन भी है, ये लेंथ भी ज्यादा है, 134 एंगस्ट्रॉम के लगभग है, और वो और बोन एंगल भी देखे थे एग्जैक्ट 120 नहीं है, ये जो बोन एंगल है इन दोनों के बीच में लगभग 97 डिग्री का है, और ये
120, 121, 22 डिग्री के लगभग, वैसे नॉर्मली 120 होता है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल 120 होना चाहिए, या sp3 भी 120 के लगभग आ रहा है, इसको बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। इसका मतलब ये हुआ कि b2n6 एक स्टेबल मॉलिक्यूल्स नहीं है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो बॉन्ड एंगल 109.5 होना चाहिए और sp2 एंगल 120 होना चाहिए। अगर इससे कम या ज्यादा दोनों केस है तो वो स्टेबल नहीं है, स्ट्रेन है। तो b2n6 have less angle as compared to the normal, तो this is in angle strain, as well as bone length become abnormal। तो देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ये चार तो है टर्मिनल हाइड्रोजन जो कि 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बोन है, और ये जो दो है ये है ब्रिज हाइड्रोजन जो कि बनाना बोन है, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बोन है। तो यहां पे जो स्पेशल बात आई B2H6 में, B2H6 का आपको स्पेशली कर रहा है डाइबोरिन का, B2 कार्बन के हाइड्राइड को पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। कार्बन का जो बोरोन का जो हाइड्राइड है वो वैसे नहीं होते जैसे कार्बन के हाइड्राइड है। कार्बन के हाइड्राइड में तो जितने नॉर्मल बोन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहां उतने इलेक्ट्रॉन नहीं है, कम इलेक्ट्रॉन है, इसलिए बोरोन में अनस्टेबल हाइड्राइड, लेस स्टेबल हाइड्राइड और अनस्टेबल हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, स्पेशल टाइप का बॉन्ड बनता है जिसको आप पहले बनाना बॉन्ड या 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड। और ये तो मैंने डाइबोरेन का स्ट्रक्चर किया है, हायर बोरेन आप करोगे तो उसमें देखो एक तो होगा बोरोन हाइड्रोजन का नॉर्मल बॉन्ड, बोरोन बोरोन का नॉर्मल बॉन्ड, बोरोन बोरोन हाइड्रोजन और बोरोन बोरोन बोरोन, ये दो तो इस चार तरह के बॉन्ड होंगे, बोरोन हाइड्रोजन का नॉर्मल बॉन्ड, बोरोन बोरोन का नॉर्मल बॉन्ड, बोरोन हाइड्रोजन बोरोन और बोरोन बोरोन बोरोन, ये 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग होगा आपको। और इस तरह के बॉन्डिंग को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड। तो अभी हमने इस टॉपिक में किया है दो बातें की है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, टेंडेंसी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, और दूसरा हमने किया है हाइड्राइड ऑफ 14 एंड 13 ग्रुप, स्पेशली जिसने हमने किया है डाइबोरिन B2N6 और जो बोरोन के अंदर हाइड्राइड है, B2N6 की प्रॉपर्टी भी, बोराजाइड क्या है, बोराजिन क्या है, इनऑर्गेनिक बेंजीन क्यों बोलते हैं, व्हाई डाइबोरिन इज यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोजन देता है, और व्हाई इज यूज ए गुड फ्यूल इन प्रोपोलेंट वगैरह में, हम ऐसे गुड फ्यूल भी यूज कर देते हैं करते हैं। कार्बन का जो हाइड्राइड है जिसको हम हाइड्रोकार्बन बोल रहे हैं वो तो हम स्पेशली अलग से नहीं करेंगे, वो तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी, एन इन और आई। सो दिस इज अबाउट इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड हाइड्राइड ऑफ बोरोन एंड कार्बन फैमिली। थैंक यू।